हेलो दोस्तों, मैं राजीव रंजन, मैं घर पर हूँ। दोस्तों आज मैं आपके समक्ष एक नया वीडियो लेके आया हूँ और आज दोस्तों मैं आपको नया जीमेल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा कि आप कैसे नया जीमेल अकाउंट खोल सकते हैं या गूगल अकाउंट आप खोल सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी पे बेस्ड है दोस्तों। तो जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। देखिए दोस्तों, ये हम पूरा जानकारी हम आपको व्हाइट बोर्ड पे देंगे और स्टेप बाय स्टेप हम पूरा व्हाइट बोर्ड पे हम लिख लिख कर बताएंगे। उसके बाद आप आराम से मोबाइल पर या डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर जाके आप ये जीमेल का अकाउंट या नया गूगल अकाउंट आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलता हूं और वहां पे मैं आपको बताता हूं कि कैसे जीमेल अकाउंट आप नया बना सकते हैं या गूगल अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं या अपना जीमेल आईडी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है। पहले आप मोबाइल पे अगर आप बना रहे हैं या आप डेस्कटॉप पे बना रहे हैं या लैपटॉप पे बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या करें कि गूगल क्रोम को ओपन कर लें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गूगल क्रोम को पहले ओपन कर लें। उसके बाद टाइप करें दोस्तों कि क्रिएट ए जीमेल अकाउंट या gmail.com, ये आपको लिख कर टाइप करना है। उसके बाद इंटर करें। ठीक है, उसके बाद इंटर आपको करना है। उसके बाद स्टेप वन में चले जाना है दोस्तों, स्टेप वन। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा क्रिएट ए जीमेल अकाउंट - जीमेल हेल्प - गूगल सपोर्ट, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर दें। ठीक है दोस्तों, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्टेप टू में आप चले आएँ। ठीक है, स्टेप टू में आप क्या करें कि यहाँ पे आप जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्रिएट ए जीमेल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद थोड़ा सा नीचे में आपको यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना हुआ है, उसमें क्रिएट एन अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो फिर आप स्टेप थर्ड में आप आ जाएं। ठीक है दोस्तों, स्टेप थर्ड में आप देखेंगे कि आपका ऊपर में लिखा आएगा क्रिएट योर गूगल अकाउंट। जैसे कि नया गूगल अकाउंट आप बनाने के लिए आप क्या क्या प्रोसेस है ये आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं। ठीक है ना, तो स्टेप थर्ड में क्रिएट योर गूगल अकाउंट ऐसा आपको यहाँ लिखा आ जाएगा। उसके बाद नीचे में दोस्तों दो बॉक्स आपको मिलेंगे, पहला में फर्स्ट नेम लिखना है, दूसरा में लास्ट नेम लिखना है। जैसे कि मेरा नाम राजीव रंजन है तो पहला बॉक्स में हम राजीव लिखेंगे और सेकंड बॉक्स में हम रंजन लिखेंगे। जैसे कि आपका कोई नाम हो रोहित कुमार या संतोष कुमार तो रोहित कुमार को हम पहला में लिखेंगे और लास्ट में कुमार करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हम आपको लिख कर बताते हैं, यहाँ पर राजीव, पहला फर्स्ट नेम में राजीव और लास्ट नेम में रंजन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको स्टेप थ्री में ही username@gmail.com यहाँ पे आपको जीमेल आईडी बन जाएगा। उसके लिए आप यूज़र नेम का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, आप क्या यूज़र नेम यहाँ पे आप रखेंगे। ठीक है, आप यूज़र नेम यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन यूज़ लेटेस्ट नंबर्स एंड पीरियड्स। आप यूज़र नेम बनाने के लिए लेटर्स भी आप ले सकते हैं, नंबर्स अंक ले सकते हैं, पीरियड्स मतलब अवधि भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्मॉल लेटर का ही यूज करें और आप अपने नाम से बना रहे तो अपना नाम का ही यहाँ पे यूज करें तो ठीक अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मेरा नाम राजीव रंजन है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख कर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो स्मॉल यहाँ पर लिखेंगे ऐसे RAJEE राजीव रंजन। उसके बाद कोई भी नंबर ले लेंगे दोस्तों, मान लीजिए हम 4444 हम चार बार ले लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम ये यूज़र नेम डालेंगे। अगर इसके पहले कोई राजीव रंजन 4 बार 4 नहीं लिया है तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर किसी ने ये राजीव रंजन 4 बार बना चुका है तो फिर आपका इनवैलिड होगा, फिर से आपको अंक डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आप स्मॉल में ही बनाएं, स्मॉल में ही स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करें। ठीक है ना, इस तरह से आप बना दें। तो इसके बाद आपका जब एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आप नीचे में आएंगे तो पासवर्ड और आपको यहाँ पे बनाना होगा। देखिए दोस्तों, पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ कि यूज़ 8 और मोर कैरेक्टर्स विथ मिक्स
मिक्स ऑफ लेटर्स नंबर या सिंबल्स, मतलब कि आपका जो मिनिमम आठ शब्दों का करेक्टर हो, आठ शब्दों का पासवर्ड होगा, इसमें आप लेटर्स भी यूज कर सकते हैं, नंबर्स भी यूज कर सकते हैं और सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, पहला जो शब्द है, पहला जो शब्द कैपिटल में आप यूज करें, कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा शब्द, आप जो भी आप लिखेंगे, दूसरा शब्द जो भी लिखेंगे स्मॉल में लिखें, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं, जैसे कि मेरा नाम राजीव है, तो हम यहाँ पे पहला जो शब्द है पासवर्ड के लिए, देखिए यहाँ पे आर, उसके बाद हम स्मॉल में हम लिख देते हैं राजीव, ठीक है। उसके बाद मैं एक सिंबल्स दे देता हूँ, तो सिंबल्स में मतलब कि आप यहाँ पे परसेंटेज का भी चिन्ह दे सकते हैं, एट रेट ऑफ भी दे सकते हैं, एंड भी दे सकते हैं, ठीक है, माइनस प्लस भी दे सकते हैं, ये सिंबल्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एट रेट ऑफ दिए, उसके बाद दोस्तों हम कोई भी नंबर्स यहाँ पे दे देंगे, मान लीजिए 3, 2, 1, इस तरह का हम पासवर्ड, इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बना लें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जो पासवर्ड आप बनाएंगे, उसी तरह से ये कन्फर्म लिखा हुआ है, तो सेम आप ये जो राजीव एट रेट ऑफ 3, 2, 1 है, ये आप इस बॉक्स में भी आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद सीधे आप नीचे आएंगे दोस्तों, तो आपको नेक्स्ट का बटन दिखेगा, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद दूसरे पेज में आप चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों वो आपको ये ऐसा पेज खुल जाएगा और ऊपर में लिखा रहेगा कि वेलकम टू गूगल, और जो आपने जीमेल आईडी बनाया था यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप ऊपर में देख सकते हैं कि राजीव रंजन 4x4 और @gmail.com, ऐसा आपका आईडी ऊपर में लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक सिम कार्ड चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, जिससे कि आपका OTP जाएगा और कंफर्म होगा। तो उसके ठीक नीचे में आपको यहाँ पे बॉक्स में फ़ोन नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना दे दिया है ना, 10 डिजिट का, ठीक है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप नीचे में आ जाए दोस्तों, तो यहाँ पे योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे देता हूँ 12 मंथ फरवरी कर देता हूँ और 1990, एग्जांपल के तौर पे हम अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमने दे दिया, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ देख लीजिए, डे में 12 मंथ हो गया फरवरी का और ये 999 इस 1990, इस तरह से आप यहाँ पे भर दें कॉलम को। उसके बाद ठीक नीचे में आपको जेंडर यहाँ मिलेगा, इसको क्लिक कर लें और यहाँ पे मेल का ऑप्शन आएगा, इसको यहाँ पे भर लें, जेंडर में मेल आप भर लेंगे। उसके बाद ठीक नीचे में आप आएंगे तो यहाँ नेक्स्ट का बटन मिलेगा, तो इस पर भी आप क्लिक कर दें, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ समझ लें, तो ये जो फ़ोन नंबर आप देंगे तो उस पर आपको OTP नंबर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आगे पेज में आपको बताता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको आपके मोबाइल नंबर पे जो मोबाइल नंबर आपने मेंशन किया था 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख लीजिए वेरिफिकेशन योर फ़ोन नंबर, और यहाँ पे फ़ोन नंबर आपका लिखा हुआ आएगा। उसके बाद सबसे नीचे में आप देखिएगा सेंड लिखा हुआ, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने जो नंबर मेंशन, मोबाइल नंबर मेंशन किया था, आपके मैसेज बॉक्स में 6 डिजिट का वो नंबर आएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, फिर आपको इस तरह से पेज खुल जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर में लिखा हुआ रहेगा वेरीफाइंग योर फ़ोन नंबर, फिर इसके बाद आपको नीचे में आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखा रहेगा और एक बॉक्स बना हुआ रहेगा दोस्तों। देखिए इंटर वेरिफिकेशन कोड, जो आपको मैसेज 6 डिजिट का आपका वेरिफिकेशन कोड भेजा गया था, वो यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, इंटर वेरिफिकेशन कोड 6 डिजिट का, यहाँ जी लिखा हुआ, यहाँ पे डैश है, इसके बाद 6 नंबर का आपको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा जो आपके मैसेज बॉक्स में गया है, जो नंबर आपने दिया था, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 6 नंबर का कोई हम अंक डाल देते, 4, 5, 6, इस तरह का
हम 6 डिजिट यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद नीचे में आप आ जाइए दोस्तों, नीचे में आएंगे तो वेरीफाई, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से पेज खुल जाएगा, गेट मोर फ्रॉम योर नंबर, ठीक है, और यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ आएगा दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसके नीचे में कुछ लिखा हुआ रहेगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ठीक नीचे में आपको फिर ऐसा बॉक्स मिलेगा कि यस आई एम इन, हाँ मैं हूँ, इस तरह का आपको यहाँ पे नीचे में बॉक्स मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों, यस आई एम इन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको इस तरह का पेज खुलेगा, इसमें प्राइवेसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में इसके नीचे में लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उसके सबसे नीचे में आप आइएगा दोस्तों, सबसे नीचे में आइएगा तो आई एग्री का यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है दोस्तों, तो आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे उसी तरह से आपका जीमेल अकाउंट बन जाएगा, यानी नया गूगल अकाउंट आपका खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप जीमेल अकाउंट बना सकते हैं, इस तरह से नया गूगल अकाउंट आप खोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, धन्यवाद।